नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। आखिर ये सरकारें, ये धर्म के ठेकेदार प्रेम और औरत की आजादी से इतना डरते क्यों हैं? ये बहुत सीधा सा सवाल आज के कार्यक्रम में हम पूछेंगे आपसे, खुद से, इस समाज से, धर्म के ठेकेदारों से और उस पर राजनीति करने वाले तमाम नेताओं से जो प्रेम के नाम पर नफरत फैलाते हैं, प्रेम को नफरत से जोड़ते हैं और लड़कियों की आजादी को छीनने के लिए हर जगह उतारू होते हैं। इस बार हम बात करेंगे सिख और मुस्लिम शादियों की, क्योंकि पिछले दिनों देश ने देखा कि पहली बार सिख धर्म में, सिख धर्म के जो ठेकेदार हैं वह उतरे श्रीनगर में और वहां पर दो जोड़ियों ने जो शादी की थी उनमें से एक को सीधे सीधे निशाना बनाया और इस निशाने के पीछे किस तरह की राजनीति चल रही है, आखिर ये धर्म के ठेकेदार सिख और मुस्लिम समाज में नफरत के बीज क्यों बोना चाहते हैं। वह भी ऐसे धर्म के ऊपर राजनीति हो रही है जिसकी गुरुबानी ही कहती है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। इस धर्म के आधार पर, जिस धर्म ने और खास तौर से कोरोना महामारी के दौरान जब हमने देखा कि तमाम लोग जो इस धर्म से जुड़े हुए हैं उन्होंने किस तरह से सेवा भाव प्रदर्शित किया और बहुत दूसरे ढंग का नेकनाम हासिल किया, लेकिन इस मामले में 26-27 जून को जो हुआ, श्रीनगर में जो हुआ, जिस तरह से इस धर्म से जुड़े कुछ ठेकेदारों ने एक लड़की को जो बालिग है, जिसने अपनी मर्जी से शादी की, जिसका हलफनामा मीडिया के पास है, जिसने कहा कि वह अपने पड़ोसी से प्रेम करती है और पड़ोसी 28 साल का, लड़की की उम्र 19 साल, अदालत के दस्तावेज बताते हैं, वहां वे पहुंचकर हंगामा करते हैं। वे बताते हैं कि बंदूक की नोक पर इस लड़की की शादी हुई और यह मामला यहीं तक नहीं रुकता। वे उसे किडनैप करते हैं, सबके सामने ये चलता रहता है, उठा के ले जाते हैं, परिवार वालों को वो लड़की सौंप दी जाती है। दो दिन के भीतर पुलवामा में, पुलवामा के गुरुद्वारे में इस लड़की की शादी एक सिख लड़के से कर दी जाती है और इसके बाद ड्रामा शुरू होता है, फुल फ्लेश ड्रामा, लव जिहाद। जो जिहाद और लव, यानी प्रेम और जिहाद, जिसका कोई रिश्ता नहीं। अभी तक सरकारी आंकड़ों में, संसद के आंकड़ों में, तमाम पुलिस थानों में इस तरह के नाम इस्तेमाल होते रहे, लेकिन इससे सब जुड़ा हुआ कोई भी सबूत अभी तक कोई सरकार कहीं नहीं दे पाई, लेकिन इसके इर्द गिर्द राजनीति शुरू हो जाती है। यहां पर हम देखते हैं कि लोग जिक्र करते हैं कि कश्मीर में भी, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसा कानून लाए, एंटी कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन रोधी कानून, उसी तरह का धर्म परिवर्तन रोधी कानून जम्मू कश्मीर में आना चाहिए। यहां पर धर्म के ठेकेदार बिल्कुल वही भाषा का बात करते हैं जिस तरह की खाप पंचायतें या हिंदुत्व ब्रिगेड की पंचायतें, वो तमाम संगठन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बाकी इलाकों में करते रहे हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, मामला बहुत सीधा सा है और आप देखिए इसने पूरी की पूरी कश्मीर वादी में किस तरह का खौफ का साया बरपा किया है। एक और नौजवान लड़की सामने आती हैं, अपना वीडियो शेयर करती हैं और कहती हैं कि उन्हें डर है, उनकी शादी 2014 में हुई लेकिन उन्हें डर है कि उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है और अपने वीडियो में वो खुद कहती हैं कि उन्होंने मर्जी से धर्म परिवर्तन किया और बहुत सुखी से अपना जीवन यापन कर रही हैं। यह खौफ तमाम लड़कियों के लिए बहुत भारी है, क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है कि यह खौफ सिर्फ एक धर्म, एक लड़की, एक जाति तक नहीं टिका हुआ है। यह तमाम लड़कियों के ऊपर, उनका जो चुनाव का अधिकार है, इस पर कहर बरपा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से दिन दहाड़े देश की राजधानी में एक लड़की जिसकी शादी पहले एक मुस्लिम लड़के से हो चुकी थी, जिसके प्रमाण कोर्ट में मौजूद हैं, उसकी शादी जब दोबारा होती है सिख लड़के से, तब क्या यह गैरकानूनी नहीं, बिना तलाक के दूसरी शादी का होना? ये सारे मुद्दे पृष्ठभूमि में जाते हैं, उन पर बात करने से ज्यादा जरूरी है इसके पीछे की राजनीति को समझना।
ये आखिर क्यों किया गया, इससे फायदा किसको है, आखिर कैसे जो सिख धर्म के ठेकेदार हैं वे बात करते हैं कि वह गृह मंत्री से मिलेंगे, वहां अकाली दल के लोग अपना नुमाइंदगी करेंगे, ये सारा का सारा जो खेल चल रहा है इसके पीछे बड़े पैमाने पर ध्रुवीकरण की तैयारी है। इन तमाम पहलुओं पर हमने बात की अलग अलग शख्सियतों से जो पंजाब की धरती को बहुत गहरे से जानते हैं, जिनका सिख धर्म से सीधा सीधा रिश्ता है, वे तमाम महिलाएं जो बहुत बुलंद हैं और जो सामने आकर कह रही हैं कि ये जो ठेकेदारी हमारे शरीर और हमारे मन पर हो रही है यह हमें गवारा नहीं है। आइए सुनते हैं नीलम मान सिंह को, जो थिएटर डायरेक्टर हैं, पंजाब की जानी मानी शख्सियत हैं, अपना अलग ढंग का थिएटर उन्होंने विकसित किया है, तमाम देश विदेश में उनके नाटक उनके द्वारा किए जाते रहे हैं और जिस तरह से वे आहत हुई हैं सीधे सीधे वह कहती हैं इन ठेकेदारों का मेरी आजादी से कोई लेना देना नहीं। क्या हो रहा है कि माहौल इतना गड़बड़ है, जब आप लव जहाद की बात करते हैं यूपी में, जब कलकत्ते में भी प्रचार करने गए तो लव जहाद की बात हुई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पेट्रियार्की और मेल कंट्रोल ओवर वुमेन्स बॉडी एंड अ वुमेन्स चॉइसेस वो दिखाई देती है, एंड दैट टू मी इज वेरी डिस्टर्बिंग, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। फैक्ट्स एंड फिगर्स तो कहीं ना कहीं खो जाते हैं, यू नो, पहले एज के ऊपर, पहले उसको अंडर एज कहा और उसकी जबरदस्ती शादी करनी, जब उसकी शादी हो चुकी है, उसका जो दृश्य मैंने देखा, जो तस्वीर देखी, दैट पुअर गर्ल लुक सो अनहैप्पी, यू नो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग, समबडी मैरिड कैन नॉट मैरी ट्वाइस। आई वाज शॉक्ड, कंप्लीटली शॉक्ड, मुझे लगा हुआ कैसे, क्योंकि कश्मीरी सिख और कश्मीरी मुसलमानों की अच्छी बनती है, ऐसा किस तो जरूर काफी इससे पहले भी इस तरह के रोमांसेस और इस तरह के संबंध रहे होंगे, जब भी कम्युनिटी क्लोज निट होती है और एक ही विलेज या शहर में रहती है तो दीज आर इनएविटेबिलिटीज, इसको आप इस यू नो दीज आर फेनोमेनास व्हिच विल हैपन बिकॉज लव इज नॉट डिसाइडेड बाय कास्ट क्रीड रिलीजन हंड्रेड्स ऑफ फैक्टर्स बाय व्हिच दे आर thrusting at this point of time. तो अब क्यों ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया है कि वो जिसमें politicians भी आगे, जिसमें सिख धर्म के ठेकेदार भी आगे, और वो कैसा मर्द है जिसने शादी कर ली? I mean, you know, it's very bewildering, it's very disturbing. उसने लड़की से पूछा नहीं तुम करना चाहती हो? अगर उसने दो साल पहले मनमीत ने, she was preparing for her new life by having studied the religion and you know wanting to convert, तो मतलब she was serious about her relationship, और ये भी choices हैं, बहुत सारे मुझे पता है शादियां हुई हैं between Hindu girls and Muslim men and vice versa, जहां conversion नहीं हुआ, you know तमाशा बना रहे हो। नवशरण कौर, आपका न्यूज क्लिक में स्वागत है। नवशरण कौर पेशे से अर्थशास्त्री हैं, बहुत अनेक विषयों पर लिखती रही हैं और उससे भी बढ़कर जो पंजाबी संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, राजनीति है, इस पर बहुत तीखी नजर रखती हैं, जरूरी हस्तक्षेप करती रही हैं। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से जो कश्मीर में सिख और मुस्लिम नौजवानों की जो शादी हुई थी उस पर जिस तरह की राजनीति हुई उसके राजनीतिक मायने क्या हैं।
भाषा मुझे लगता है कि जो कश्मीरी सिख युवतियों की शादी को लेकर जो मामला सामने आया है वो एक काफ़ी ख़तरनाक रुझान है और उसका संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने सबने जाना, अखबारों में ही पढ़ा कि कुछ दो या तीन सिख युवतियों ने अपनी मर्जी के अनुसार मुसलमान व्यक्तियों से शादी की। शादी करने से पहले उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तन किया और उनसे शादी की, बकायदा उनके निकाह हुए और उन्होंने कोर्ट में अपनी बयान भी दिए कि किस तरह से वो अपनी मर्जी से ये शादियां कर रही हैं। उसको लेकर जिस तरह की पूरी राजनीति हुई उसमें हमें ये सबसे पहले सामने आया कि कश्मीर में तो जो हुआ ही, दिल्ली से बहुत सारे जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड सिख कम्युनिटी लीडर्स हैं वो वहाँ पर जा पहुँचे और उन्होंने इस बात को, ना सिर्फ ये कि लड़कियों ने अपनी मर्जी से शादी की है, उसको एक बहुत लंबे चौड़े एक किस्म के षड्यंत्र में बदल दिया कि ये एक जो लव जिहाद का पूरा मामला है जहाँ मुसलमान लोग सिख लड़कियों को जबरदस्ती, और इसमें जबरदस्ती को अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है क्योंकि यही एक मामला उन्होंने बनाया कि जबरदस्ती बंदूक की नोक पर, जिसकी कि कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं है कि ऐसा हुआ, बंदूक की नोक पर लड़कियों का अपहरण किया गया है, उनका धर्म परिवर्तन किया गया है और उनकी जबरन शादी की गई है, ये मामला बना दिया गया। यहाँ तक कि जब उन लड़कियों के भी वीडियोस सामने आ रहे थे जहाँ वो साफ तौर पर कह रही हैं कि वो बालिग हैं, उन्होंने अपनी मर्जी से धर्म अपना बदला है और अपनी मर्जी से शादियां की हैं, और वो शादियां आज की भी नहीं है, एक बच्चे लड़की की शादी अभी की है, बाकी दो लड़कियों की शादियां पुरानी हैं, और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि दो बातें इसमें तो बहुत ज़रूरी हुई, एक तो ये है कि उन लड़कियों की मर्जी को किस तरह से बिल्कुल नकारा गया, वो बालिग हैं, एडल्ट हैं, उनके पास ये हक है, संविधान ने उन्हें हक दिया है कि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी कर सके, पर ऐसा हक लेना जो कम्युनिटी के अपने आप को लीडर बताते हुए या जो पेट्रियार्कल फैमिलीज हैं उनके लिए ये एक बहुत ही जैसे तूफान मच गया और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये लड़कियों को बरगलाया गया है, इन्हें बहकाया गया है। ये बहकाने वाला जो मुहावरा है हम बड़ी देर से सुन रहे हैं, हमने ये देखा है कि मोदी जी तो ये तक भी कह रहे हैं कि किसान बहकाए जा रहे हैं, उससे पहले शाहीन बाग की औरतों के लिए कहा गया था कि वो बहकाई जा रही हैं, तो क्या ये, और अब ये सिख लड़कियाँ बहकाई जा रही हैं, क्या मतलब हमें बहुत ये सोच के भी खेद होता है कि क्या सारी अकल, सारी बुद्धि, सारा विवेक एक ही जगह पर है कि महिलाओं को कोई आजादी नहीं है, महिलाओं के पास कोई हक नहीं है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सके। हमने बात की कमलजीत कौर ढिल्लो से, वह महिला नेता हैं और कश्मीर से उनका बहुत पुराना रिश्ता रहा है। कश्मीर में जाकर वहां पर सिखों की क्या स्थिति है, उनको जो माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए, किस तरह से उनकी भाषा का जो सवाल है जिसको सिरे से नजरअंदाज मौजूदा सरकार ने किया है, जो वहां पर इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार चल रही है, इन तमाम मुद्दों पर बहुत मुखर रही हैं कमलजीत। आइए देखते हैं कि कमलजीत इस सारे समीकरण में किस तरह से हस्तक्षेप की जरूरत को बता रही हैं। ये जो कश्मीर का मसला है, ये मसला उसको रंगत जो है पॉलिटिकल रंगत दी गई है, खास करके एक सिख लीडर के मनजिंदर सिंह सिरसा को भेजा गया स्पेशल, और जो हिंदू मुस्लिम का है वहां पे एक और जो खिंचोतान, क्योंकि ये पॉलिटिकल मसला भी है, क्योंकि वहां पे अगर इलेक्शन होनी है जहाँ पहले से सिख और मुस्लिम का बहुत बड़ा भाईचारा रहा है। जब ड्यूरिंग माय विजिट्स, कंटिन्यूस विजिट्स इन कश्मीर, इवन बारामूला, कुपवाड़ा, एंड जब हमने तंगधार से पीस मार्च शुरू किया,
तब मैंने बात करी औरतों के साथ भी, काफी लार्ज सेक्शन, 4-5 दिन हम यात्रा में रहे कश्मीर में, तो इन मुद्दों के बारे में भी मैं, क्योंकि एज ए वुमेन एक्टिविस्ट मेरा ध्यान उन मुद्दों के ऊपर भी था, तो वहां पे बहुत ही सहज तरीके से भाईचारा है सिखों का। आपको शायद बहुत सारे लोगों को ये तजुब होगा कि मटन में गुरु नानक देव जी पहली बार गए थे, वहां पे एक झरना बहता है, वो झरने से हिंदू भी पानी पीते हैं, मुसलमान भी पीते हैं और सिख भी, वो सारा जो गांव है एक ही झरने से पानी पीता है। सो ये चीजें जो है, जो एक इंटरकास्ट जो एक सहजता क्या है वो वहां पे है। ये तो कॉन्शियसली एक टेक्स्ट तैयार करी गई बाय द बीजेपी और उसको मनजिंदर सिंह सिरसा को आगे लगाया गया और उन्होंने जाके एक जो स्मूथ रनिंग है उसके ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा एक जिसको मैं कह रही हूँ शेमफुल गेम प्ले की। मैं थोड़ा सा जो है हमारी सिख कम्युनिटी उधर है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, मैं उनको उनको कंसिडर करती हूँ कि उन्होंने कम से कम उसको जो अपना रिवोल्ट उनको उन्होंने रद्द किया मनजिंदर सिंह सिरसा की विजिट को कि हमारे भाईचारे को आप ये पॉलिटिकल रंगत दे के, धर्म की रंगत दे के ना करें। एक बात बहुत साफ है कि एक तरफ ये लोग हैं जो सिख मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसके कई पहलू हो सकते हैं, पंजाब का चुनाव हो सकता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो सकता है, जम्मू कश्मीर की सियासत हो सकती है, और उससे बड़ी बात धर्म के आधार पर इस समाज को विभाजित करने की रणनीति हो सकती है। क्योंकि हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि सिख धर्म या सिख धर्म से जुड़े हुए लोग दूसरे ढंग के आंदोलनों में अग्रणी भूमिका, मददगार की भूमिका निभाते रहे हैं, चाहे वो नागरिकता संशोधन कानून हो, चाहे अभी जो दिल्ली की चारों सीमाओं पर चल रहा आंदोलन है, किसान आंदोलन, हर जगह यह जो भाईचारा है, यह जो बंधुत्व है, यह टिका हुआ है। तो हो सकता है इस घटना को एक ढाल बनाकर बड़ी राजनीति खेली जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि यह राजनीति उत्तर प्रदेश या हरियाणा के लिए नहीं है। हम जानते हैं कि लव जिहाद के नाम पर योगी सरकार किस तरह का कहर बरपा कर रही है। एक तरफ तो लड़कियों की आजादी को छीनने की कोशिश है, हम प्यार करें मोहब्बत करें इससे उन्हें एतराज है, क्योंकि वह उनके हिसाब से, उनकी जाति, उनके धर्म, उनके वर्ग के हिसाब से होना चाहिए। वहीं देखिए जो दक्षिणपंथी ताकतें हैं, जब मैं कहती हूं दक्षिणपंथी ताकतें, इसका मतलब सीधा सीधा है समाज को पीछे ढकेलने वाली ताकतें। इन्होंने एक बहुत ही घिनौनी हरकत की औरतों के खिलाफ, सुल्ली डील्स, जो लोग सोशल मीडिया पर हैं आप सब जानते होंगे कि सुल्ली डील्स के नाम पर कितनी भयानक नफरत फैलाई जा रही है। यह सुल्ली डील्स एक ऐसी वेबसाइट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसमें तथाकथित तौर पर खूबसूरत मुस्लिम लड़कियों की फोटो डाली जाती है। इसे चलाने, इसे प्रसारित करने वाले ऑप इंडिया हिंदी वेबसाइट के लोग जैसे हैं, उसके संपादक जैसे लोग हैं, आपको इस समय ट्विटर दिखाई दे रहा होगा जो हमने अपनी स्क्रीन पे शेयर किया है आपके साथ, और इसमें ये घिनौने ढंग से मुस्लिम लड़कियों के बारे में तमाम अश्लील बातें करते हैं, उनकी खरीद फरोख्त की बात करते हैं, उसी स्वर में जैसे जब कश्मीर में 370 हटा था उसके बाद ये तमाम लोग बातें कर रहे थे कि अब कश्मीर की तमाम गोरी चिट्टी लड़कियां हमारी हैं। यह समझना बहुत जरूरी है, समझना इसलिए बहुत जरूरी है कि यह सिर्फ एक धर्म एक जाति के खिलाफ नहीं, यह घिनौनी हरकत तमाम उस औरत के खिलाफ, हर एक उस लड़की के खिलाफ है जो आजाद होकर जिंदा रहना चाहती है, बुलंद होकर अपने फैसले करना चाहती है। और शायद आज बहुत जरूरी है कि इन तमाम लोगों की शिनाख्त ही ना की जाए, इनके खिलाफ बहुत मुखर होकर बोला जाए, बैटिंग की जाए, जैसा इस दौर में तमाम महिलाएं और लड़कियां कर रही हैं, क्योंकि प्रेम मोहब्बत जिंदाबाद तो होना ही चाहिए, हमारी आजादी पर भी आंच नहीं आनी चाहिए।